दिन काजल मेरे नीरज को अपना नीरज बनाएगी। अच्छा ये तिजोरी की चाबियां। अब नीरज को और इस घर को तुम्हें संभालना है। कल से ना तो अन्न का एक दाना गया है तुम्हारे मुंह में, न पानी की एक बूंद। खन्ना खानदान की बहू ज्वेलर की दुकान में गहने खरीदने जाती है, बेचने नहीं। देखो मेरा बेटा कसूरवार नहीं है, वो तो नादान है। सारा दोष मेरा ही है, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। माँ जैसी है, माँ तो नहीं है ना। काजल, 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 क्या सोच रही हो? नीरज भैया की याद आ रही है? एक ही दिन की तो बात है, कल वापस आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ उनका कॉन्फ्रेंस कहाँ चल रहा है? मुझे नहीं। तुमने फोन नहीं किया उनको? मैंने फोन किया था, शायद नीरज को मेरा मैसेज नहीं मिला। मैसेज नहीं मिला? मैंने फोन किया था, दो बार नीरज के कमरे में रिचा ने फोन उठाया। नीरज भैया के कमरे में रिचा क्या कर रही थी? ये तो मम्मी जी से पूछना पड़ेगा ना। मम्मी जी से मतलब? अगर आज रिचा नीरज की जिंदगी में है तो उसकी वजह मम्मी है। ये क्या कह रही हो तुम काजल? सीधा तुम्हें पता है नीरज के ऑफिस में रिचा को नौकरी मम्मी ने दिलवाई है। जान बूझ के वो रिचा को वहां रख रही है ताकि मेरे और नीरज के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके, हमें एक दूसरे से अलग कर सके। कैसी बातें कर रही हो काजल? मम्मी जी ऐसा नहीं कर सकती, उनके बारे में इस तरह की बात सोचना भी उनका अपमान करना होगा। हो गया तुम्हें? तुम दिन ब दिन शक्की होती जा रही हो। पहले डैडी पे शक करती थी, अब मम्मी पे। तुम मुझे ये कह रही हो? तुम भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती? मैं झूठ बोलूंगी सुनीति, आज ही मैंने मम्मी को रिचा से बात करते हुए सुना है। काजल हो सकता है मम्मी जी ने रिचा से बात की हो, कोई ना कोई वजह तो होगी ना उसकी। देखो ना उन्होंने किस तरह मुझे माफ कर दिया और किस आत्मीयता से अनुभव का अपना लिया। जो औरत ऐसा कर सकती है, क्या वो अपने ही बच्चे का घर उजाड़े? काजल तुम इस तरह के बेबुनियादी शक करना बंद कर दो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है और इस घर के लिए भी। मेरी बात मानो काजल,